शहर के पश्चिम क्षेत्र में धार रोड की चांदमारी का ईंट भट्टा में स्थित श्री जय भवानी शंकर माता मंदिर पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यज्ञ हवन एवं पूर्णाहुति का आयोजन किया गया। वार्ड क्रमांक 67 के पार्षद राजेश शुक्ला ने बताया कि इस अवसर पर प्रतिवर्ष इस आयोजन में सम्मिलित होने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री प्रकाश जी सोलापुरकर का जन्मदिन भी मनाया गया। श्री सोलापुरकर ने कहा कि वे हर वर्ष इस आयोजन में भाग लेते हैं और शुक्ला परिवार से उनका गहरा आत्मीय नाता है। संघ जीवन में अपने 50 वर्ष पूर्ण कर चुके श्री सोलापुरकर ने कहा कि लोगों को समाज जीवन में आगे आना चाहिए और समाज की सेवा में अपना समय देना चाहिए। श्री सोलापुरकर ने अयोध्या में रामलला को उनकी जमीन मिलने एवं करतारपुर कॉरिडोर खुलने पर भी हर्ष जताया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री सुनील शुक्ला, पार्षद राजेश शुक्ला, उमेश सिंह हाड़ा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। आज बहुत आनंद का दिवस है। जन्मदिवस तो हर साल आता ही है और हर साल के दो महत्व है उसके। एक तो तारीख से जब आती 31 अक्टूबर को आता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती रहती है और कार्तिक पूर्णिमा को नानक राम जी का जयंती रहती है। इससे दोनों समय रहते हैं। इस साल उससे दो आनंद की और बात जुड़ गए। रामलला की जमीन मिल गई उसको, ये मिल गया और करतारपुर कॉरिडोर वो शुरू हो गया, ये एक अच्छा हो गया। तो ऐसे आनंद के प्रसंग भी इसमें के साथ जुड़ गए हैं, इसलिए बहुत आनंद का विषय रहा है। हर साल अतर यहाँ मैं हर साल आता हूँ। इसी प्रकार यज्ञव्रत बड़े व्यापक पैमाने पर होता है और अस्वस्थता का कारण से जरा कमी आई है। बाकी बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। शुक्ला परिवार बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हर साल निमंत्रित करते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। समाज जनों को क्या संदेश देना चाहिए आपके जन्मदिन पर, किस तरह से जीवन यापन? समाज जनों का संदेश ये है कि अपना अपना समर्पण बढ़ाए, समाज काम के लिए अधिक समय देना चाहिए, मुख्य बात है। मैंने भी अपने जीवन के 50 साल पूरे हो रहे प्रचारक के, तो ज़्यादा अधिक समय देके संगठन का मुख्य काम तो यही, संगठन करना ही मुख्य है, संगठन के बाद फिर संगठन। इसलिए संगठन के काम में जुड़े रहना चाहिए, जुटे रहना चाहिए। आप किसी भी उम्र के हो लेकिन संगठन के काम में लगे रहना चाहिए, ये देश ये इस बात के लिए आवश्यक है। वास्तव में आयोजन तो हमारा बरसों पुराना था, लेकिन इस कड़ी में प्रकाश जी का आना और उनके जन्मदिन का आना वास्तव में एक सुखद अनुभव करता है हम लोग, क्योंकि प्रकाश जी का और हमारे परिवार का बरसों से संबंध है और हमारी माता जी को बहन मानते हैं वो, तो उनका जो जीवन यहाँ पर आज 50 प्रचारक के रूप में 50वां वर्ष उनका होने जा रहा है और प्रतिवर्ष यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है वे हमारे बीच में उपस्थित भी होते हैं और इस आयोजन में शामिल होते हैं, क्योंकि यह श्री जय भवानी शंकर माता मंदिर का आयोजन बरसों से चलता आया है, लेकिन अभी इस वर्ष जो है हम लोगों ने उसको थोड़ा छोटा स्वरूप दिया है, क्योंकि देश और प्रदेश की जो परिस्थितियां थी उनको देखते हुए, प्रशासन के निवेदन को देखते हुए हमने भी यह निर्णय लिया कि क्यों ना हम ये आयोजन को सीमित करें, ताकि समाज के आज जो राम मंदिर की सौगात मिली है उस सौगात के साथ में हम सब लोग हंसी खुशी के साथ में सम्मिलित हो जाए।